हेलो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग अनारस का खेती कैसे किया जाता है उसके बारे में वीडियो है। देखिए आप लोग कैसे खेती किया जाता है उसके बारे में जानकारी मिलेगा आप लोग को। आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद में जानकारी मिलेगा आप लोग को। देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत अनारस का खेती किया गया है। और अभी बताता हूँ कैसे अनारस का खेती किया जाता है। तो दोस्तों, पहले इसको खेत को जोतने से पहले एक बार जुताई कर दीजिए और उसके बाद में इसमें पानी पटाइए। पूरा पानी पटाने के बाद में एकदम पानी पटने के बाद में खेत को सूखने के लिए छोड़ दीजिए। खेत सूख जाएगा उसके बाद में इसमें जो गाय भैंस का जो गोआ आता है, जो गोबर बोलते हैं, वो मतलब एक कट्ठे में एक ट्रैक्टर गोआ होना चाहिए। और उसके बाद में गोआ छिटने के डालने के बाद में उसको जोतवाइए दो चास। उसके बाद में फिर इसको छोड़ दीजिए दो दिन के लिए। फिर इसको दो दिन के बाद में फिर इसको जुतवाइए, खाद डालिए कट्ठे में, कम से कम कट्ठे में 5 किलो, कट्ठे में 5 किलो खाद डालिए कम से कम। खाद डालने के बाद में शाम के टाइम में खाद डालिए इसमें। उसको खेत को सुबह को जुताई कीजिए। सुबह को जुताई करने के बाद में इसको फिर एक दिन के लिए इसको छोड़ दीजिए। फिर एक दिन के बाद में फिर इसको कम दो चास जुतवाइए। और उसके बाद में इस फल को, इस बीज को आप लोग रोपिए। जो इसका बीटा तो बीज आता है वो रोपिए आप लोग। और एकदम लाइन टू लाइन, लाइन बाई लाइन करके इसको रोपिएगा तो आप लोग को अच्छा रहेगा। पानी देने में भी, खाद देने में भी और दवा देने में भी अच्छा रहेगा। लाइन टू लाइन कीजिएगा तो। और इसके फिर में हमेशा देख सकते हैं आप लोग। और इसको जैसा इसको 20 से 15 दिन पे इसको पानी और खाद यूरिया देना पड़ेगा आपको। और ऊपर से इसको दवा आता है छींटने वाला वो। और उसके बाद में इसको फिर से आप लोग को देखना पड़ेगा हमेशा कि इस पर कीड़ा